करूं या ब्राइडल शूट करूं, तो अगर किसी के कहने पे, किसी की रिक्वेस्ट पे अगर मैं अपने इंस्टाग्राम से पोस्ट डाल रही हूं, तो फिर उन लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए और थोड़ा औकात में रहना चाहिए। गैर मुसद्दिका और इस तरह की मनगढ़ंत बातें नहीं करनी चाहिए। अगर कोई किसी को इज्जत देता है तो उस इज्जत को मतलब थोड़ा सा दायरे में रहें और अपनी खुश नसीबी समझे। वैसे भी मेरा काम है दूसरों को रिस्पेक्ट देना, दूसरों की ताजीम करना, और हमेशा करती रहूंगी, लेकिन हमेशा से तरतीब करूंगी जो बातें मेरे बारे में झूठी होंगी, तो ये सारी अफवाहें झूठी हैं कि ये इसने इतने पैसे लेके शूट कर लिया और ये कर लिया और वो कर लिया, और ये बिल्कुल गैर मुसद्दिका है, ये बिल्कुल झूठ पे मबनी बातें हैं। जज़ाकअल्लाह खैरा कसीरा। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और बात कोई भी न्यूज़ फैलाने से पहले एक दफ़ा तहकीक जरूर कर लिया करें। अल्लाह ने के माफी मांगे। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी आप तमाम लोगों से एक ही इल्तिमास है, एक ही रिक्वेस्ट है कि गैर मुसद्दिका न्यूज़ मेरे बारे में ना फैलाई जाए। और मैं तो बड़ी हैरान हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम का विजिट किया जा रहा है, और वहाँ से अगर मैंने किसी बॉलर का विजिट किया हुआ है या कहीं से मैंने मेकअप कराया हुआ है या कुछ किया हुआ है, तो वहाँ से वो लोग जो है तो उन पॉलर्स में पहुँच रहे हैं, फिर उनसे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे आई थी क्या, पैसे लिए क्या, मुआवजा लिए, और वो भी आगे से अपनी प्रमोशन के लिए, वहाँ के जो ओनर्स हैं या जो भी लोग हैं वो अपनी प्रमोशन के लिए अपना नाम मीडिया में लाने की वजह से जो है तो अपने से झूठी बातें बता रहे हैं, और अपने से झूठी मनगढ़ंत बातें जिसमें कोई हकीकत नहीं है। मैं आप सबसे इल्तमास करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कोई भी न्यूज़ आपको फैलानी है उससे पहले मुझसे तस्दीक करें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हम किसी कॉलर में जाते हैं तो ये हमारी वो होती है बड़ापन होता है, शूट करूं या ब्राइडल शूट करूं, तो अगर किसी के कहने पे, किसी की रिक्वेस्ट पे अगर मैं अपने इंस्टाग्राम से पोस्ट डाल रही हूं, तो फिर उन लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए और थोड़ा औकात में रहना चाहिए। गैर मुसद्दिका और इस तरह की मनगढ़ंत बातें नहीं करनी चाहिए। अगर कोई किसी को इज्जत देता है तो उस इज्जत को मतलब थोड़ा सा दायरे में रहें और अपनी खुश नसीबी समझे। वैसे भी मेरा काम है दूसरों को रिस्पेक्ट देना, दूसरों की ताजीम करना, और हमेशा करती रहूंगी, लेकिन हमेशा से तरतीब करूंगी जो बातें मेरे बारे में झूठी होंगी, तो ये सारी अफवाहें झूठी हैं कि ये इसने इतने पैसे लेके शूट कर लिया और ये कर लिया और वो कर लिया, और ये बिल्कुल गैर मुसद्दिका है, ये बिल्कुल झूठ पे मबनी बातें हैं। जज़ाकअल्लाह खैरा कसीरा। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और बात कोई भी न्यूज़ फैलाने से पहले एक दफ़ा तहकीक जरूर कर लिया करें। अल्लाह ने के माफी मांगे। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी आप तमाम लोगों से एक ही इल्तिमास है, एक ही रिक्वेस्ट है कि गैर मुसद्दिका न्यूज़ मेरे बारे में ना फैलाई जाए। और मैं तो बड़ी हैरान हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम का विजिट किया जा रहा है, और वहाँ से अगर मैंने किसी बॉलर का विजिट किया हुआ है या कहीं से मैंने मेकअप कराया हुआ है या कुछ किया हुआ है, तो वहाँ से वो लोग जो है तो उन पॉलर्स में पहुँच रहे हैं, फिर उनसे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे आई थी क्या, पैसे लिए क्या, मुआवजा लिए, और वो भी आगे से अपनी प्रमोशन के लिए, वहाँ के जो ओनर्स हैं या जो भी लोग हैं वो अपनी प्रमोशन के लिए अपना नाम मीडिया में लाने की वजह से जो है तो अपने से झूठी बातें बता रहे हैं, और अपने से झूठी मनगढ़ंत बातें जिसमें कोई हकीकत नहीं है। मैं आप सबसे इल्तमास करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कोई भी न्यूज़ आपको फैलानी है उससे पहले मुझसे तस्दीक करें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हम किसी कॉलर में जाते हैं तो ये हमारी वो होती है बड़ापन होता है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।